देखिए, देव के पहले उनके पिताजी सुरेश गुरु ओझा जी जो कहे, जिनका नाम जैसा है यथा नाम तथा गुण, उसी प्रकार से उनके बच्चे जो हैं देव, उनका जन्मदिन आज, और छोटा बच्चा उसका नामकरण, उसका भी नाम शिवाय। शिवाय कह देने से मैडम भगवान शंकर का और पार्वती का दोनों का बोध होता है, तो इसके लिए उनका नामकरण जो रखा गया है वह पंडित जी ऐसा नाम रख सकते हैं। मैं दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके पिताजी आदरणीय श्री ओझा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका इसी प्रकार से लोगों में लगाव बना रहे, लोगों में जोड़ने की जो शक्ति आपके अंदर है यह हमेशा प्रफुल्लित रहे, हमेशा बनी रहे, क्योंकि आज समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा काम जो है आप कर रहे हैं। और यही चर्चा थोड़ी देर पहले हम मैडम और उपाध्याय जी कर रहे थे कि कैसे आपका यहाँ जुड़ाव हुआ। और देखिए, कोई मंदिर में किसी पुजारी का रहना, मंदिर में सेवा करना एक अलग बात है, लेकिन आपने वह करते हुए, उसका निर्वाह करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, शनिदेव की पूजा करते हुए आपने जो समाज को जोड़ने का एक काम किया है वह बहुत ही आपका प्रशंसनीय कार्य है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, शनि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका इसी प्रकार से लोगों के प्रति लगाव बना रहे, जुड़ाव बना रहे, और आपका जोड़ने का कार्य जो है वो इसी तरीके से बना रहे और करते रहिए। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपने दो शब्द को